सितंबर माह तो शुरू हो गया, बट हम सोच रहे हैं कि कौन कौन से प्लांट की हम कटिंग्स लगाए जो कि धूप तो कम आती है, और उनको ऐसी जगह पे रखे जहाँ पर धूप नहीं आती हो। तिरंगे कलरफुल वाले प्लांट जो आप कटिंग से लगा सकते हैं और आप इंडोर रख सकते हैं इन प्लांट्स को। राम राम सभी भाई बहनों को, के हाल है, ठीक हो कि नहीं हो। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊंगी स्पेरिकस प्लांट। स्पेरिकस प्लांट को आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है इन प्लांट को लगाने का, और ग्रोथ करने का भी बहुत अच्छा मौसम है। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आ रही है ना, छाया है बिल्कुल, तो आप ये छाया में चलने वाला प्लांट है। ये देखिए एक बार लगाने की जरूरत है, इतने सारे जो है प्लांट ऐड हो जाएंगे और पूरा पोट कवर कर लेता है। ये तो मैंने जो है और प्लांट रखे है तो थोड़ा सा दब रहा है, नहीं तो आप देख सकते कितने बुशी हो रहे हैं मेरे ये प्लांट, तो इनको आप लगाइए। इस बार डॉलर प्लांट है, डॉलर प्लांट एक गोल गोल पत्तियों वाला प्लांट है, पत्तियां इतनी खूबसूरत है, आप इस प्लांट को इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। ये आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, आप इसको मिट्टी में और पानी में दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा है ट्रायंगल हार्ट। ट्रायंगल हार्ट भी बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है, ये बास्केट प्लांट है, बट आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पॉट में लगाया हुआ है। ये देखिए छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है, लगाने के बाद ये जिसमें पॉट में भी बास्केट में आपने लगाया है उसको ये कवर कर लेता है। ये देखिए बास्केट में लगाई है, बास्केट में इस तरह से लटक जाता है ये प्लांट, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए एक बार लगाने की जरूरत है, कटिंग से मैंने ये बास्केट जो है तैयार करी है, और अभी आप देखिए इसकी ब्रांच ऐसे लटक गई है, छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट जो है लग जा, और ये जंगल की तरह एक लुक देता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कटिंग से लगाया था, अभी आपको नजर आ रहा है तो देखिए कहाँ कहाँ फैली हुई है, वहाँ बाहर देखिए उधर की साइड भी फैल चुका है ये प्लांट, तो इतना घना हो जाता है। एक बार लगाने की जरूरत है, जिस पॉट में आपने लगाया ना वो पॉट भी नजर नहीं आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे किस में लगाया है मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है, और ये छुपा हुआ है इसलिए इस तरह से ये दिख रहा है, बट इसने पॉट को पूरा कवर कर लिया। इस तरह से इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है। इसके बाद देखिए लालसा प्लांट है, लालसा प्लांट एक कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है, आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये आउटडोर प्लांट है वैसे तो, लेकिन इंडोर भी आप इसको रख सकते हैं, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको जो है हल्की हल्की धूप मिलती रहे। ये लगाने की बात तो देखिए इतना पॉट ये है कवर कर लेता है बहुत ज्यादा, बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं और इसको हेज के रूप में भी इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो है कटिंग्स लगाई है, कलरफुल तो इतना है बहुत ही ज्यादा है, इसकी और भी वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो, बट आप इसको हफ्ते में एक बार धूप जरूर दिखाइए इंडोर रखेंगे तो। वैसे ये आउटडोर प्लांट है लेकिन इंडोर भी ये चल जाता है, लेकिन इसको धूप जरूर दिखानी होती है तो आप इसको धूप जरूर दिखाइए, ऐसी जगह पे आप इसको रखिए। इसके बाद देखिए ये है हमारा अजवाइन का प्लांट है, अजवाइन भी एक खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, आप इसको कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। ये प्लांट भी बास्केट में लग जाता है और इस तरह की छोटी छोटी बोतलों में भी लग जाता है। ये देखिए छोटी छोटी बोतलें हैं, इनमें भी आप इसको लगा सकते हैं, और इस प्लांट को भी आप शेमी शेड में रख सकते हैं। अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आ रही है तो आप इसको जो है शेमी शेड में रखिए, बट इसको हल्की हल्की लाइट मिलती रहे ऐसी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद देखिए सुंदर सा लगने वाला कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट कौन नहीं लगाना चाहेगा, इतना खूबसूरत जो है ये प्लांट है, तो आप इसको जरूर लगाइए। छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट लग जाता है और फ्लावर भी करता है ये साथ में। देखिए इस तरह से इस प्लांट पे जो है फ्लावर होती है, जो कि बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इस प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग होती है जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं और पत्तियां भी पर्पल कलर की है, बहुत ही सुंदर लगने वाला प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट लग जाता है और ज्यादा बड़ा पोर्ट्स की भी इसको जरूरत नहीं होती है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, जूतों में भी लगा सकते हैं और पोर्ट में भी लगा सकते हैं, बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला प्लांट है। ऐसी ब्रांच फैल जाती है इस प्लांट की,
बहुत ही सुंदर, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, जहां मर्जी इतने प्लांट बना लेंगे आप लगाने के बाद बहुत ज्यादा। तो इसको जरूर लगाइए कटिंग के द्वारा। इसके बाद देखिए, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन इतनी सुंदर पत्तियां होती है इसकी। ये दो है मेरे पास, ये ऑर्नामेंटल है और एक है ग्रीन पत्तियों वाली, तो बहुत ज्यादा फैल जाती है। यकीन नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कितनी फैली हुई है मेरे गार्डन में। देखिए मोस्टिक मैंने यहाँ पर बनाई थी, यहाँ पर मोस्टिक खत्म हो गई है, इसके बाद भी देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। और जबकि मैंने इसकी कटिंग कर ली है, कटिंग भी लगा दी है इसकी, तो आप इसको लगाइए मोस्टिक में भी लगाइए और इसको जो है बास्केट में भी लगाइए। यहाँ पर देखिए आप, ये बास्केट में भी मैंने लगाई है, ये देखिए इस तरह से बास्केट में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी मैंने जो है इसकी कटिंग्स लगाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर देखिए पर्पल कलर की एक पत्ती है, तो मैंने इसको एक स्टेम से लगाया है। और ये ग्रीन वाली को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला बास्केट प्लांट है। आप इस बात देखिए, ये है स्नेक प्लांट की एक वेराइटी जिसको सेंसिवेरिया बोलते हैं। ये भी छोटी छोटी पप से लग जाता है, एक छोटा सा पप लीजिए उससे भी ये लग जाता है। लगाने के बाद आप इसको इंडोर रख सकते हैं, ये इंडोर प्लांट है, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। बट हाँ, हफ्ते 10 दिन में एक बार धूप जरूर दिखा दीजिए। अगर धूप नहीं आती है तो इंडोर रखिए, अगर धूप आती है तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर हल्की हल्की सी लाइट इस प्लांट को जो है मिलती रहे। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। छोटे छोटे से इस तरह से बेबी प्लांट निकाल के आप छोटे छोटे कप में लगा सकते हैं। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है, आप इसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने छोटे छोटे कप में ही लगाया हुआ है, ये देखिए छोटी सी बोतल में लगाया हुआ है। यहाँ पे भी बेबी प्लांट इसका जो है निकल गया, ये देखिए बेबी प्लांट यहाँ पर निकल गया है, देख रहे हैं यहाँ पे बेबी प्लांट निकल गया है। तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है, डेकोरेट करके आप इस प्लांट को रखिए। इस तरह से वेस्ट कप में भी आप इसको लगा सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगने वाला है। इसके बाद देखिए, ये है लेवेंडर का प्लांट है। लेवेंडर भी एक खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। इसको कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं, बट इसको इंडोर रख दीजिए। शेमी शेड में आप इसको रखना है, बिल्कुल इंडोर भी मत रखिए। जो भी प्लांट मैं आपको बता रही, बिल्कुल इंडोर मत रखिए, शेमी शेड में रखिए। हाँ, अगर आपके गार्डन में धूप नहीं आती है तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर हल्की हल्की लाइट इनको मिलती रहे। तो इस प्लांट से भी आप कई प्लांट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कॉक्सकॉम मुर्गा कलंगी जिसको बोलते हैं, आप इसको सीड के द्वारा लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद अपने आप ही गार्डन में ऐसे जो है प्लांट निकलते रहते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसके बाद देखिए, अरेलिया का प्लांट है। अरेलिया प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है, आप इसको कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। मैंने ये देखिए कटिंग से लगाया था और अभी देखिए कटिंग्स ये ग्रो हो चुकी है और यहाँ पर भी इसके जो है प्लांट निकलने लग गए हैं। तो इसको लगाइए आप कटिंग के द्वारा। ये कई वैरायटीज में आता है, अलग अलग पत्तियां होती है। देखिए पत्तियां कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसको भी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर धूप नहीं आती है, आपके घर पे गार्डन में धूप नहीं आ रही है, तो बेफिक्र होके इन प्लांट को आप लगा सकते हैं। ईफोर्बिया मिली है, ये देखिए इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत है। इसको भी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं, जहाँ पर हल्की हल्की धूप आ रही है तो हल्की हल्की धूप में भी ये प्लांट जो है चल जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला प्लांट है, आप इसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा क्रिसमस ट्री का प्लांट है। इसको आप इंडोर रख सकते हैं, पत्तियां तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इंडोर के साथ साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। बस एक कोने में रख दीजिए और बहुत ही अच्छे से ये इसका जो है लुक आता है। आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में, जैसे ही आपके प्लांट का साइज है उसी हिसाब से आप इसको जो है पॉट का साइज दे दीजिए, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसके बाद देखिए, ये है हमारा एरोहेड का प्लांट है। इसके बाद देखिए, ये है एरोहेड, इसको बोलते हैं सिंगोनियम प्लांट। इसको भी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। ये प्लांट भी इंडोर प्लांट है, एक बार लगाने के बाद बहुत सारे प्लांट जो है एड हो जाते हैं। देखिए मेरा पॉट कवर कर रखा है, यहाँ पर दो तीन पोर्ट्स लगे हुए हैं, पोर्ट भी नजर नहीं आ रहे हैं, इतने सारे जो है मेरे गार्डन में ये प्लांट हो गए हैं। तो इसको भी आप लगाइए। इसके बाद देखिए, डेविल्स बैकबोन, इसकी भी कई वेराइटीज आती है मेरे पास। ये अभी तो एक ही है, लेकिन बालकनी में नीचे रखी हुई है, एक जो है वेरिकेशन वाली है। इसकी पत्तियों में धारी धारी होती है, ग्रीन पत्तियां वाली है, दो तीन वेराइटीज में आता है। कोई भी वेराइटीज आप इसकी लगा सकते हैं, इंडोर चलने वाला प्लांट है ये, आप इसको इंडोर लगाइए
और कटिंग के द्वारा आप इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लगता है ये प्लांट। तो आप इसको लगाइए, बहुत ही सुंदर। एक स्टिक ले लीजिए, बस एक स्टिक से ही ये प्लांट जो है लग जाता है, और कटिंग के द्वारा आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा है स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, एक छोटे से पप के द्वारा इस प्लांट को लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये देखिए इस तरह से कई जगह आप इसको लगा सकते हैं, छोटे छोटे इस तरह के जो बाउल होते हैं ना, इनमें भी आप इसको लगा सकते हैं। इंडोर चलने वाला प्लांट है, आप इसको धूप में मत रखिए, सेमी शेड में रखिए, हल्की हल्की सी लाइट मिल जाए ऐसी जगह पे आप इसको रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला प्लांट है। इसके बाद देखिए ड्रेसिना है, ड्रेसिना की तीन वैरायटीज है मेरे पास, लेकिन ये इंडोर चलने वाला प्लांट है, हल्की हल्की सी धूप इसको मिल जाए कि ब्राइट लाइट जिसको बोलते हैं ना, वहां पर इसको आप रखिए और इसको कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। पहली वैरायटीज है ये। एक दूसरी वैरायटीज है मेरे पास, ये ग्रीन पत्तियों वाली है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है। ये देखिए यहाँ पर बड़ी हो गई है और यहाँ पर भी देखिए साथ में बेबी प्लांट भी लग गए हैं, कटिंग से मैंने इसको लगाया है। ये देखिए कटिंग से लगाने के बाद देखिए कितने सारे हो गए हैं, और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए इसको मैंने डिवाइड किया है, दूसरी वेराइटीज है, तीसरी वेराइटीज ये है इसकी तीसरी वेराइटी। इसकी पत्तियां होती है डार्क मेहरून कलर की हो जाती है, ये डार्क मेहरून पत्ती है इसकी। तो देखिए छुपो के आप इसको रखिए, इंडोर रखिए ऐसी जगह पे जहां पर हल्की हल्की सनलाइट इसको मिलती रहे। और ये देखिए ये इंडोर प्लांट हमारा स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट की कई वेराइटीज आती है, आप इसकी कोई भी वेराइटीज लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। ये देखिए इसमें तो फ्लावरिंग भी होती है, इस वाले स्नेक प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है, सीड्स देखिए इस तरह से सीड्स भी बनते हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। फ्लावर आने के बाद ये देखिए सीड्स बन रहे, अभी इनको मैं उठा के रख लूंगी, वैसे ही ये बेबी प्लांट से भी ग्रो हो जाता है, सो सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपसे बेबी प्लांट से ग्रो नहीं होता तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर रखिए इसको, बिल्कुल कोई केयर नहीं मांगता है ये प्लांट, ना तो पानी लेता है ना ही ये धूप में रहने वाला प्लांट है, केयर तो बिल्कुल भी नहीं मांगता। तो आप इसको जरूर लगाइए अपने गार्डन में, कई वेराइटीज है इसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है डिफिन, डिफिन की एक वेराइटीज है मेरे पास, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां होती है, ये प्लांट भी इंडोर है, इसको धूप बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर आपने धूप में रख दिया तो इसकी पत्तियां बर्न हो जाएगी और जो है पीली होने लग जाती है, तो आप इसको इंडोर मत रखिए, आप इसको छाया में रखिए, छाया में चलने वाला प्लांट है, पत्तियां बहुत खूबसूरत होती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास है ये अल्टरनेंत्रा, अल्टरनेंत्रा तीन वेराइटीज है मेरे पास, आपको मैं तीनों दिखाती हूँ, लेकिन पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत है। आप इस प्लांट को इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं, इंडोर आपने रखा तो ये ग्रीन हो जाती है, आउटडोर रखते हैं तो ये पत्तियां जो है इस ये प्लांट जो है कलर चेंज करता है, ये देखिए पिंक कलर की है ना, पिंक कलर हो जाता है, अगर इसको आउटडोर रखते हैं तो इसका पत्तियों का कलर पिंक येलो पता नहीं कैसा कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। एक वेराइटीज ये है अल्टरनेंत्रा की, देखिए ये मेहरूम है, डार्क मेहरूम है, और ये देखिए ये अलग है, ये इसमें डबल शेड है, पत्तियों में मेहरूम भी है, ग्रीन भी है, रेड रेड से भी है, तो इसमें दो तीन कलर ऐड है, तो ये आप लगा सकते हैं, बास्केट में लगाइए, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। मैंने छोटी छोटी कटिंग से लगा रखा है, देखिए जहां पर देखिए मैंने कटिंग से लगाया है, दोनों वेराइटीज मैंने लगाई है, तीसरी तो मैंने नहीं लगाई है, लेकिन तीनों ही वेराइटीज है मेरे पास, और ये कटिंग से लगाई है, छोटी छोटी कटिंग से लगा रखी है, अभी ये जो है इनमें रूट आ गई है, और मैं इनमें से निकाल निकाल के अपनी फ्रेंड को भी देती रहती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ये कटिंग से लगाया है, स्पाइडर प्लांट भी कटिंग से लगाया है, और ये देखिए ये है सदाबहार व्हाइट वाला है, इसको भी कटिंग से लगाया है, ये ट्रायंगल हार्ट है, इसको भी मैंने कटिंग से लगा रखा है, और ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया, इसको भी मैंने कटिंग से लगा रखा है। तो इस तरह से आप इनको कटिंग से लगाइए, बहुत ही खूबसूरत लगने वाले पत्तियों वाले प्लांट है। यहाँ पर ये देखिए इसको भी आप धूप में रख सकते हैं, कैना लिली है, कैना लिली धूप में और छाया में दोनों जगह चल जाता है, ग्रीन पत्तियां भी आती है इसकी, इसकी दो वेराइटीज है मेरे पास, ग्रीन वाली और ये पर्पल वाली, तो दोनों वेराइटीज आप लगा सकते हैं। फ्लावर बहुत ही सुंदर आता है इसका, देख सकते हैं इस तरह से फ्लावर स्टोक निकलता है, फिर फ्लावर। तो कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।